एक फैमिली ने किसी ऑर्फनेज से एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि एक 33 साल की हवस की पुजारी ने जो अपनी हवस के लिए लोगों के साथ संबंध बनाकर उन्हें मार डालती है। गाइस, ये स्टोरी एक ऐसी ही लड़की की है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे फिल्मी टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। मूवी में जॉन और केट नाम के हस्बैंड वाइफ हैं, जिनके दो बच्चे थे, एक 12 साल का बेटा डेनियल और एक 5 साल की बेटी मैक्स। पर मैक्स न बोल सकती थी और न सुन सकती थी। इसके अलावा केट काफी उदास रहती थी, बिकॉज कुछ टाइम पहले उसके तीसरे बच्चे का मिसकैरेज हो गया था। और इसी दर्द से उभरने के लिए एक ऑर्फनेज से एस्थर नाम की एक रशियन लड़की को अडोप्ट कर लेती है। एस्थर को घर लाने से केट काफी खुश थी, वो उसे मैक्स और डेनियल के साथ स्कूल में भी भेजने लगी। मैक्स एस्थर से काफी घुलमिल भी जाती है, पर डेनियल उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। खैर, केट को खुश रहते कई दिन बीत जाते हैं और एक रात वो किचन में जॉन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। उनका काम पूरा भी नहीं हुआ था कि बीच में ही एस्थर वहां आकर वो सब देख लेती है, जिसके बाद केट खुद को संभालते हुए जल्दी से एस्थर के रूम में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चों की चीज नहीं है, उन्हें नहीं देखना चाहिए। पर एस्थर केट को बोलती है कि उसे सेक्स के बारे में सब पता है, ये चीज हस्बैंड वाइफ करते हैं। एस्थर के मुंह से ये सुनकर केट शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि एक 9 साल की बच्ची इतना सब कैसे जानती है। और ये बात केट जॉन को भी बताती है, पर जॉन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो मानता है कि एस्थर ने वो वर्ड कहीं से सुन रखा होगा, लेकिन केट मानने को तैयार नहीं थी। और कुछ दिन बाद ही एस्थर के बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। एस्थर ने स्कूल में भी एक बच्चे को इसलिए झूले से गिरा दिया बिकॉज उसने क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाया था, जिसके पैर में अब गंभीर चोट लगी थी। एस्थर दिन प्रतिदिन और ज्यादा चेंज होती जा रही थी, जो कि जॉन से तो अच्छे से बात करती और केट से मिसबिहेव करती। लेकिन जब केट जॉन से इसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है तो जॉन एस्थर को बच्ची समझकर केट को ही डांटने लगता है, जिसकी वजह से अब उनके रिलेशन में भी दरार आने लगी थी। जॉन सोचता था कि केट जानबूझकर एस्थर के पीछे पड़ी है, लेकिन सच्चाई क्या थी वो केट ही जानती थी। केट को शक होने लगा था कि एस्थर कोई क्रिमिनल न हो, बिकॉज ऑर्फनेज में उसे बताया गया था कि यहाँ आने से पहले एस्थर एक दूसरी फैमिली के पास थी, जिनके घर अचानक से आग लग गई और सब मारे गए सिवाय एस्थर को छोड़कर। केट जल्दी से ऑर्फनेज केयर टेकर सिस्टर एविगेल को कॉल करके पूछती है, पर फोन पर ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। पर अगले ही दिन सिस्टर एविगेल केट के पास आकर बताती है कि जहां एस्थर इससे पहले रहती थी वहां पर आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया। और एस्थर जहां भी होती है उसके पास अजीब सी घटनाएं होती रहती है। सिस्टर एविगेल की बातों में अजीब सा डर था, बिकॉज उसे भी एस्थर पर शक होने लगा था। और फिर सिस्टर और इंक्वायरी करने को बोलकर वहां से जाने लगती है कि एस्थर मैक्स के साथ सिस्टर को बीच में ही रोककर उसका मर्डर कर देती है, बिकॉज वो नहीं चाहती थी किसी को उसकी सच्चाई का पता चले। खैर, मर्डर करने के बाद एस्थर मैक्स को भी डरा देती है वो किसी को कुछ न बताए, और मर्डर एविडेंस को डेनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। लेकिन जब डेनियल को एस्थर के बारे में पता चलता है तो एस्थर उसे भी डराकर मुंह बंद करवा देती है। इसके बाद एस्थर मैक्स की भी जान लेने की कोशिश करती है, वो कार के ब्रेक्स हटा देती है, पर किस्मत अच्छी होने की वजह से मैक्स बच जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद केट इसका जिम्मेदार एस्थर को ही मानती है, बिकॉज उसे अच्छी तरह याद था उसने कार ब्रेक्स लगाए थे। और वो जॉन को एस्थर को बाहर निकालने की बात करती है, पर जॉन केट को उसकी अल्कोहल को उसका दोषी मानता है, बिकॉज केट कुछ टाइम पहले अल्कोहल की आदी हो गई थी, लेकिन अब काफी टाइम से उसने वो छोड़ रखी थी। केट और जॉन के बीच दरार आने का फायदा उठाकर एस्थर जॉन के करीब जाने की कोशिश करती है, पर जॉन उसे बच्ची का प्यार समझकर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। एक तरफ केट एस्थर के बारे में डीपली सर्च करने लगती है और उसे एस्थर के रूम में सारने इंस्टीट्यूट की एक बुक मिलती है, जिसमें उसके द्वारा मारे गए कई सारे आदमियों की फोटोज थी। केट सारने मेंटल इंस्टीट्यूट कॉल करके जानने की कोशिश करती है, पर वहां से उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन केट एस्थर की एक फोटो उनके पास सेंड कर देती है, पर तभी एस्थर की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वो डेनियल का ट्री हाउस जलाकर उसे मारने की कोशिश करती है। पर केट किसी तरह डेनियल को बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां एस्थर फिर से डेनियल की जान लेने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर्स टाइम पर पहुंच जाते हैं और डेनियल को बचा लेते हैं। इसके बाद केट एस्थर को मारने लगती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है। एक तरफ जॉन एस्थर और मैक्स घर पर थे, तो एस्थर मौके का फायदा उठाकर यंग लेडी की तरह तैयार होकर जॉन को इंप्रेस करने की कोशिश करती है। पर जॉन, जो उसे बच्ची समझ रहा था, वो उसके इरादे भांप लेता है और उसे अगले ही दिन ऑर्फनेज भेजने की वार्निंग देता है। जॉन के ऐसा करने से एस्थर के अरमानों पर पानी फिर जाता है, जो कि गुस्सा होकर अपने रूम की चीजों को फेंकने लगती है, जिस
जिसकी आवाज़ जॉन को भी सुनाई पड़ती है, तो वो यहीं देखने एस्थर के रूम में जाता है और शॉक हो जाता है, बिकॉज एस्थर ने पूरी दीवार पर फॉरन फोटोज और पेंटिंग्स बना रखी थी। पर तभी एस्थर चाकू लेकर जॉन को बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट के पास सारे इंस्टीट्यूट से डॉक्टर का कॉल आता है, जो केट को भेजी हुई फोटो देखकर बोलता है कि वो उस लड़की से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाए और पुलिस बुला ले, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक मैच्योर लेडी है जिसकी हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से फिजिकली ग्रोथ होने की बजाय सिर्फ इंटरनल ग्रोथ हुई है, जो कि अपनी हवस के लिए लोगों का खून कर रही है। ये सुनकर केट शॉक हो जाती है और पुलिस को कॉल करके जल्दी से घर पहुंचती है। पर तब तक एस्थर जॉन को मार चुकी थी, वो मैक्स को भी मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन केट ऊपर से एस्थर पर कूद जाती है, जो कि एस्थर बेहोश हो जाती है। केट उसे मरा हुआ समझकर मैक्स को लेकर वहां से जाने लगती है कि एस्थर फिर से उठकर चाकू से उस पर अटैक करने लगती है, जहां इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन केट किसी तरह खुद को बचाते हुए एस्थर को मार डालती है। बस यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं गाइज ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।